प्रदेश सरकार में मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने जो बयान दिया है उस पर यह कहावत चरितार्थ होती है, छाज तो बोले सो बोले, छलनी भी बोले जिसमें सो सो छेद। मैं आदरणीय संजय अवस्थी जी से पूछना चाहता हूं कि आखिर क्या वजह रही कि 40 विधायकों वाली सरकार 16 महीने में उनके 6 विधायकों ने इस्तीफा क्यों दिया, क्यों उन्होंने कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद के खिलाफ मतदान दिया। 16 महीने में 2500 करोड़ रुपए का कर्ज लेने वाली सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने प्रदेश में चारों तरफ विकास के काम बंद पड़े हैं, कांग्रेस अंतर्कलह से जूझ रही है, प्रदेश के लोग परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, क्योंकि काम नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस में इसे ज्यादा फूट का क्या उदाहरण दिया जा सकता है कि इनकी प्रदेश की अध्यक्षा और सांसद आदरणीय प्रतिभा सिंह जी ने प्रेस में कई बार कहा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी क्योंकि मेरे लोकसभा क्षेत्र में वर्तमान मुख्यमंत्री ने कोई काम नहीं किया, हमारे कहने से कोई काम नहीं होता, हम पोल तक नहीं बदल सकते, विधायक एमपी लैंड से थोड़ी चुनाव लड़ा जा सकता है, इसका अर्थ क्या निकाला जाए। सारे विधायक परेशान है, पूरा प्रदेश परेशान है, चारों तरफ भ्रष्टाचार का माहौल है, खनन माफिया सक्रिय है, आज पूरा औद्योगिक घराने परेशान है। एक संसदीय सचिव मुख्य संसदीय सचिव से पूरा औद्योगिक घराना परेशान है, नई इंडस्ट्री नहीं आ रही है, खनन माफिया सक्रिय है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, इसलिए किसी पर आरोप लगाने से पहले उनको अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए आखिर क्या कारण है। कांग्रेस ने आज तक लोकसभा के 2 सांसदों के टिकट क्यों डिसाइड नहीं करे, 3 विधायकों के लिए उपचुनाव के लिए अब तक टिकट क्यों नहीं दिए, ये सोचनीय विषय है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस को अपने अंदर अंतर्मंथन करना चाहिए, दूसरों पर आरोप नहीं लगाने चाहिए। बस ठीक।